देखो दोस्तों, यहाँ के ये पिलर पे पेंट भी कर दिया जा चुका है, ये देख सकते हो, क्योंकि ये नोएडा के लिए जा रहा है और ये दिल्ली के लिए जा रहा है। और तस्वीरें देख सकते हो, एक लॉन्चर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि बायोडेक्ट को जोड़ रहा है दोस्तों, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है। किस तरीके से देखो आप लोग तस्वीरें, कुछ ये नज़ारे हैं दोस्तों, जोड़ रहा है देखो ट्रक में, ये सेगमेंट आया है दोस्तों, ये देखो ये सेगमेंट और ऊपर लॉन्चर में जोड़ा जाएगा। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, हाँ अब ठीक है, बड़े आराम से देखो ये सेगमेंट यहाँ जोड़ा जाएगा, देखो जोड़ा भी जा रहा है, देखो वो उठा दिया उसने। इधर का जोड़ दिया, इधर भी देखो पानी भरा हुआ मिलेगा, इधर भी पानी भरा हुआ मिलेगा दोस्तों, ये सारा पानी ख़त्म कर दिया था तब ये पिलर बनाए गए थे। मैंने अपडेट दिया था आप सभी को यहाँ का, और आप लोगों ने नहीं ये देखा है तो माय बटन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना इस जगह की तस्वीरें। पाँच के टाइम हो रहा है और लॉन्चर देखो ये लगा हुआ है RRTS का, जो कि एक लॉन्चर एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है दोस्तों। पहला देखो दोस्तों, ये लॉन्चर लगा हुआ है दिल्ली के यमुना रिवर के अंदर, एक पिलर से दूसरे पिलर को किस तरीके से ये जोड़ रहा है ये लॉन्चर बायोडक्ट को यमुना के अंदर दोस्तों, यानी कि सराय काले खां के लिए जोड़ता हुआ जा रहा है ये लॉन्चर। तो आप लोगों को मैंने दिखाया है कहां से, DND फ्लाईओवर के ऊपर से दोस्तों, कि किस तरीके से यहां पर कि ये पिलर जो आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, ये हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोस्तों, जो कि ये सराय काले खां से स्टार्ट होता है, यहाँ की यानी कि DND फ्लाईओवर से ये स्टार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखने के लिए मिलेगा कि इस पर पिलर तो बनके कंप्लीट हो जाएंगे, हो चुके हैं, लेकिन अभी इन पर पियर कैप लगाने बाकी हैं, और पियर कैप के बाद में दोस्तों एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने के लिए आई गटर का सहारा लिया जाता है। आई गटर को लॉन्च करेंगे दोस्तों, उसके बाद में ये 3 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा, यानी कि एक्सिस कंट्रोल्ड मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। 3 लेन इस साइड में तस्वीरें देख सकते हो, और आप लोगों को बता दूं कि इस बीच में ये अब दोस्तों देख सकते हो, उस बीच में ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, लेकिन आगे आप लोग देखेंगे तो
आपको बता दूँ कि सराय काले खां स्टेशन यानी कि निजामुद्दीन देखने के लिए मिलेगा, और उस निजामुद्दीन के लिए जाने के लिए ये फ्लाईओवर बनाया गया है दोस्तों। ये नोएडा से वाहन आ रहे हैं, और उसके बाद में अगर नोएडा पे और ये सराय काले खाने के लिए अगर हमें जाना है तो इस रूट का सहारा लेंगे दोस्तों, जो कि ये बीच में आ रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों चलते हैं, देख तो आगे दिखाएंगे चल के आप सभी को कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे किस तरीके से ये आगे बढ़ता है, वो भी आप लोगों को अगर अपडेट देखना है तो हमें नीचे लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना दोस्तों। देखो इस रोड को क्रॉस करने के बाद में देखो ये पिलर बनाए जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दोस्तों, लेकिन यहाँ तक अभी बायोडक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है, आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आप लोगों को अपडेट दिखाऊंगा फरीदाबाद का। और देखो ये जा रहा है आनंद यानी कि सराय काले खां के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हो ये बायोडक्ट बनाया जा रहा है RRTS का दोस्तों। देखो जिस पिलर पर ये दोनों पिलर पर क्या पियर कैप का काम हो गया, और इस पिलर को एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जोड़ा जा रहा, सेटिंग लगी हुई है। और ये जा रहा है बारापुल्ला फ्लाईओवर दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से इधर भी एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में ऊपर ही ऊपर ये बायोडक्ट को जोड़ा जा रहा, और एक पिलर इस बारापुल्ला फ्लाईओवर के बीच में है जो कि पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को बनाया जा रहा है दोस्तों, दोनों साइडों में। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों क्या दिल्ली का ITO दोस्तों। देखो ये सराय काले खां के बगल में ये है दिल्ली ITO, जहाँ पर गाड़ियाँ सिखाई जाती हैं दोस्तों। उसके अंदर से इस बायोडक्ट को लाया जा रहा है, RRTS का जो बायोडक्ट है वो दोस्तों निकल रहा। देखो ये है ITO, और देखो वो लॉन्चर लगा हुआ है जो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कनेक्ट कर रहा है बायोडक्ट को दोस्तों। और ये आ जाता है इंद्रप्रस्थ गैस का स्टेशन दोस्तों, यहाँ पर भी एक लॉन्चर लगाया गया है जो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है। दो दो लॉन्चर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही ये सराय काले खां स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ये RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है। विशाल, काफ़ी विशाल लंबा चौड़ा स्टेशन होने वाला दोस्तों, भविष्य में यहाँ से कई लाइन गुजारी जाएंगे दोस्तों। देख सकते हो जिस पे कॉन्कोच लेवल बनाने का भी काम किया जा रहा है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। शाम हो चुकी है और देखो सूरज बिल्कुल सामने पड़ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर कॉन्कोच लेवल अब बनाया जा रहा है। और जो प्लेटफॉर्म का मेन हिस्सा है वो तो बना लिया जा चुका, उस पर आपको बता दूँ रूफ़ टॉप का जो स्ट्रक्चर है उसको लगाया जा रहा है दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। और देखो पहली जो रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों वो दौड़ेगी सराय काले खां से मेरठ के बीच में, दूसरी दौड़ेगी दोस्तों सराय काले खां से और अलवर, तीसरी दौड़ेगी सराय काले खां टू पानीपत सोनीपत पानीपत, और चौथी दौड़ेगी दोस्तों सराय काले खां टू पलवल। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर यह RRTS को बनाया जा रहा है स्टेशन को सराय काले खां में दोस्तों। और आपको बता दूं कि यहाँ से सबसे बड़ा जो हब होने वाला है भविष्य में देखते हुए वो यहीं से स्टार्ट होता है दोस्तों। देखो अब यहीं से ये एक्सप्रेसवे भी जा रहा है, यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी यहीं से जा रहा है आपका क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, DND फ्लाईओवर और रैपिड रेल, और इसमें निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो और ISBT बस स्टैंड भी। तो यहाँ पर देख सकते हो ना कि किस तरीके से इस स्टेशन पर भार होने वाला है, काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होने वाला है भविष्य को देखते हुए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत लंबा चौड़ा विशाल ये स्टेशन बनाया गया है दोस्तों रैपिड रेल का, यानी कि RRTS का, जो कि 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, जिसमें से 80 किलोमीटर का रूट दोस्तों एलिवेटेड होने वाला है और 12 किलोमीटर का रूट दोस्तों अंडरग्राउंड होने वाला है यानी कि ज़मीन के अंदर। तो देख सकते हो जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से लगाया जा रहा है, जो आप लोगों ने साहिबाबाद गाजियाबाद गुलढेर और दुहाई में जो बायोडक्ट देखा था, जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर देखा था वो कुछ और टाइप का है, यहाँ पर कुछ और टाइप का दोस्तों। और सबसे सुंदर
अगर कोई RITS का स्टेशन होने वाला है तो वो सरायकाले खां का ही होने वाला है दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपडेट दिया जाए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, KP संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो देख सकते हो ये सारे वाहन आ रहे हैं कहाँ से, रिंग रोड दिल्ली और फरीदाबाद से ये वाहन आ रहे हैं और ये जा रहे हैं गाज़ियाबाद और पुरानी दिल्ली के लिए। तो इस पर कौन कौन लेवल तो बल्कि कंप्लीट हो चुका है सरायकाले खां RITS के स्टेशन पर। और दूसरी साइड में देखो ये गावर कंस्ट्रक्शन द्वारा इस पर फ्लाईओवर को भी बनाया जा रहा, पहले ये सिंगल फ्लाईओवर हुआ करता था, अब ये डबल फ्लाईओवर बनाया गया है क्योंकि भविष्य में यहाँ पर पब्लिक की ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये दूसरा फ्लाईओवर बनाया गया है ताकि आने जाने वालों के लिए, क्योंकि नीचे से ये स्टेशन पर जा सकते हैं, बस स्टैंड पर जा सकते हैं, मेट्रो स्टेशन पर जा सकते हैं, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं नीचे से। तो इसी वजह से यहाँ पर ये दूसरा फ्लाईओवर भी दिया गया है ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो, ऊपर ही ऊपर निकल जाए आगे दिल्ली और फरीदाबाद के लिए। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये मैंने दिखाया है आप लोगों को, आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं नीचे दोस्तों। तो बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि आगे क्या क्या काम किया जा रहा है इस टाइम पर। तो अभी तो ये बस ये रूफ टॉप का जो बायोडक्ट है उसको जोड़ने का काम किया जा रहा है और इसके फिनिशिंग का काम चल रहा है, यानी कि कॉन्क्रीट लेवल का और जो प्लेटफॉर्म लेवल है उस पर बनाया जा रहा है, कंक्रीट डाला जा रहा है, उस पर सरियाओं का जाल बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म लेवल का जो काम है वो किया जा रहा है तेज़ी के साथ में। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें है ना, क्या ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर होने वाला है कुछ टाइम के बाद में, देखना आप लोग, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इस सरायकाले खां का स्टेशन बनाया गया था, किस मुसीबत से बनाया गया था, क्या क्या करना पड़ा था, वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को, तो एंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देखो, जो बायोडक्ट जोड़ने का काम है वो किया जा रहा है अभी इस टाइम पर, ठीक है। देखो आप लोग, जो रूफ टॉप का बायोडक्ट है वो उसको जोड़ने का काम किया जा रहा है और काफ़ी सुंदर ये रूफ टॉप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और रूफ टॉप भी काफ़ी सुंदर होने वाला है दोस्तों आने वाले टाइम में। वो भी आप लोगों को, KP संत के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से, आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो भी मैं अपडेट लेकर आऊँगा आप लोगों को बीच में तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और देखना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चल के, देखो सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो गए, सेटरिंग सब पे लगी हुई है, जो कुछ पिलर बचे थे उन पे अब सेटरिंग लगा के और इसमें कंक्रीट भरा जा रहा है, यानी कि ऊपर बनाया जा रहा है। देख सकते हो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में इस गाटर को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर इस पर आपको बता दूँ कौन कौन लेवल बनाया जाएगा दोस्तों। तो यही है नज़ारा, देखो आप लोग, काफ़ी लंबा चौड़ा है दोस्तों। यहाँ पर एक बेस्ट ऑफ वंडर पार्क है, उसको आधा ख़त्म कर दिया जा चुका है कि यहाँ तक देखो रैपिड रेल आया करेगी, यहाँ तक इस जगह तक देखो आप लोग तस्वीरें, ठीक है। और ये लोहे का स्ट्रक्चर है, ब्रिज है दोस्तों लोहे का, देखो अभी यहाँ से दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है क्या ट्रैफिक, एक तो सीधा चला जाता है कहाँ राजघाट के लिए और राइट में चला जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यानी कि गाज़ियाबाद के लिए, मेरठ भी आप लोग जा सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोग बताओ आप सब लोग सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अभी हम चल रहे हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी आप लोगों ने देखा था, ठीक है। RITS रैपिड कॉरिडोर का आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी देखा, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वो एंड तक आप लोगों ने देख ही लिया है। तो आप लोग एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यार। तस्वीर आप लोग देख सकते हो,
ये मेन बिल्डिंग की, ये पता है किसकी है, ये टनल की है। तो यहाँ से ये टनल गुजारी जा रही है ज़मीन के अंदर, यानी कि पानी के अंदर भी है दोस्तों, ठीक है ना। ये टनल रैपिड रेल स्टेशन की है दोस्तों, जो कि आनंद विहार में रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों रैपिड रेल का। फिर ये निकल जाएगा वैशाली के सामने, ये टनल ख़त्म होती है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आप सबको, वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है।